subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हम नौवां भाग बता रहे हैं। नौवें भाग में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द। आज हम ऐसा वाक्य बताएंगे कि डायरेक्ट नरेशन में ऐसे वाक्य रहेंगे जो खुशी जाहिर करते करेंगे करने वाले शब्द रहेंगे या दुख प्रकट करने वाले शब्द रहेंगे या हैरानी प्रकट करने वाले शब्द रहेंगे। तो ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, यही आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमने लिखा है नियम एक में लिखे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा या आहा, ये हुर्रा और आहा शब्द जो है ये खुशी वाले शब्द हैं, से प्रारंभ हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और हुर्रा शब्द रहेगा तो हुर्रा हटा देंगे, आहा शब्द रहेगा तो आहा शब्द को हटा देंगे। जैसे लिखा है ही सेड, ही माने उसने, सेड माने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, मतलब खुशी वाले शब्द हैं कि हमने मैच जीत लिया है। तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ही, आप देखिए जिस वाक्य में जब रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा शब्द से प्रारंभ हो या आहा शब्द से प्रारंभ हो तो ये खुशी वाले शब्द हैं। तो ऐसे वाक्य को हम जब हमको चेंज करना है तो हम सेड को किसमें बदलेंगे, देखिए लिखा हुआ है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। अब यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हम कब बदलेंगे, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुर्रा शब्द से प्रारंभ हो या आहा शब्द से प्रारंभ हो। तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जो हुर्रा शब्द रहेगा या आहा शब्द रहेगा इस शब्द को हम हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो अब कहां चलेंगे हम, अब चलेंगे कर्ता पर। यहां कर्ता क्या है, वी है। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार। तो यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता यहां क्या है, ही है। अब ही को यहां लिखेंगे हम, क्योंकि वी जो है बहुवचन का कर्ता है इसलिए ही को यहां ही नहीं लिखेंगे। अब ही थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में जो बहुवचन का कर्ता होगा सब्जेक्ट वही हम वी की जगह पर लिखेंगे। तो ही का बहुवचन का सब्जेक्ट क्या है, दे है। तो यहां लिख देंगे हम दे। अगर कहीं दिक्कत हो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि यहां वी है तो वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहां रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, ही है, एक वचन है। अब चूंकि ये बहुवचन है तो ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का जो बहुवचन का सब्जेक्ट होगा वही वहां ले जाकर लिखेंगे। तो यानी ही सी ई एक वचन है, यही दे बहुवचन है थर्ड पर्सन का, दे लिख दिए। हैड को हैड में बदल देते हैं और बाकी ज्यों का त्यों हम उसको उतार देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो देखिए, अब एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा हुर्राह माई फ्रेंड हैज कम, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच यानी हुर्राह शब्द से प्रारंभ हो या आहा शब्द से प्रारंभ हो तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ही, अब जैसा हमने कहा देखिए, अब हम सेड को किसमें हम चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देंगे। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कब बदलते हैं, तो हम बताएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच हुर्राह शब्द से या आहा शब्द से प्रारंभ हो यानी खुशी वाले शब्द से प्रारंभ हो, तब वहां पर हम सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके आगे जो हुर्राह शब्द है या आहा शब्द रहेगा उसको हटा देते हैं, उसको हटा देंगे। अब कहां चलेंगे, कर्ता पर। अब यहां कर्ता क्या है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड है। अब माई क्या है, ये पोजेसिव केस है, किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। अब ये माई जो है ये पोजेसिव केस है, इसको बदलेंगे, ये फर्स्ट पर्सन का है पोजेसिव केस, और फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या ही है, ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम भेजेंगे माई की जगह पर जो कि पोजेसिव केस है। ही का पोजेसिव केस क्या होगा, ही होगा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो ही का पोजेसिव केस क्या होता है, ही होता है। अगर ही को पोजेसिव केस की जगह पर हम भेजेंगे तो हमेशा जान लीजिए वहां पर हम हीज लिखेंगे, हीज फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड, और हैड है को हैड में बदल देते हैं। बाकी उसी को ये भी क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखा है, ये भी क्रिया थर्ड फॉर्म में है, हैड कम। अब देखिए इस वाक्य में क्या आप लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जब हुर्राह शब्द से आहा शब्द से अगर प्रारंभ होता है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, वही नियम एक में हम बताए हैं। अब नियम दो देख लीजिए, देखिए नियम दो, नियम दो में क्या है, जैसा कि हमने कहा आज जो भी हम वाक्य बता रहे हैं उसमें या तो खुशी जाहिर करने वाला शब्द रहेगा, या तो दुख जाहिर करने वाला शब्द रहेगा, या तो आश्चर्य यानी कि हैरानी प्रकट करने वाला शब्द रहेगा। देखिए इसमें क्या है, ही सेड, उसने कहा, इलास दुख सूचक शब्द है, इलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो अब हम ऐसे वाक्य के इनडायरेक्ट हम चेंज करना बता रहे हैं, जब यदि रिपोर्टेड स्पीच इलास से प्रारंभ हो या ओह से प्रारंभ हो या आह से प्रारंभ हो, यानी ये यानी दुख सूचक शब्द है, से प्रारंभ हो तो हम सेड को किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल देते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, तथा इलास ओह आह शब्द को हटा देते हैं। देखिए जब कभी तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि डायरेक्ट जो डायरेक्ट में दिया गया है उसमें इलास शब्द हो, इलास,
उसको हम इनडायरेक्ट में इलाज शब्द यानी कि दुख सूचक शब्द है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ही। अब देखिए सेड अगर यानी कि इलाज शब्द से अगर प्रारंभ है तो सेड को किस में बदलेंगे हम, एक्सक्लेम्ड विद सारो, यानी एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल देते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट लिख देंगे। जब हम इलाज फिर क्या करते हैं, और इलाज वो आह शब्द को हटा देते हैं, अब इस शब्द को हटा देंगे हम, अब कहां चलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, तो यहां तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या ही है, तो यही हो जाए। अब हम आई को चेंज कर दिए ही में, इज आर एम को वाज या बेयर में बदल देते हैं, वाज है क्या, अब बाकी इसको हम ऐसे उतार लेंगे, रोइंग। यानी ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रुइंड, इसी का एक एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल दो, सी सेड उसने कहा इलास, इलास शब्द तो मालूम हो रही है, दुख सूचक शब्द है, आई हैव लास्ट माई ओनली सन, आई हैव लास्ट मैंने खो दिया है माई ओनली सन इकलौते पुत्र को, मैंने खो दिया है। तो हमने कहा कि मान लीजिए डायरेक्ट में इलाज शब्द हो या आह शब्द हो या आह शब्द हो, तो ऐसे जब यानी कि यहां क्या है इलाज शब्द है, तो हम क्या करेंगे, सी सेड को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, यानी सी एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल देंगे, और क्या करते हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, देखिए दैट लिखेंगे, और इलास इलास ओह आहा शब्द को, आ शब्द को हटा देते हैं, अब इसको हम हटा देंगे। जब यानी इलाज शब्द को हटा देंगे तो अब चलेंगे कर्ता पर, यहां कर्ता क्या है, आई है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहां सी है तो आई की जगह भी यहां सी हो जाए, सी, तो आई को हम सी में बदल देंगे, है या हैड को हैड में बदल देंगे, तो हैव है तो हैड हो जाए लास्ट। अब देखिए यहां माई है, अब माई क्या है, पोजेसिव केस है, अब किसका, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, तो यानी अब फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार चेंज होता है, तो यहां सी है। अब सी को जब हम माई की जगह पर भेजेंगे, माई क्या है पोजेसिव केस है, तो सी को हम पोजेसिव केस बना करके भेजेंगे, तो माई के यानी कि सी के पोजेसिव केस का हो जाए हर हो जाए, तो माई का भैया हर ओनली सन, ओनली सन, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी हैड लास्ट हर ओनली सन। तो अब यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच इलास शब्द से प्रारंभ हो
उसको कैसे हम चेंज करते हैं, मतलब भाग नौ में नियम दो देख लीजिए, कंफर्म हो जाए। चलिए नियम तीन देखिए, नियम तीन, ये नियम तीन है। तो नियम तीन में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए या हाउ, यानी कि ये हैरानी वाले शब्द हैं, हैरानी वाले शब्द या आश्चर्य वाले शब्द हो से प्रारंभ हो, तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं तथा व्हाट या हाउ को बेरी में बदल देते हैं। कैसे देखिए, दे सेड, पहला एग्जांपल है, दे सेड व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, यानी दे सेड माने उन्होंने कहा व्हाट ए फाइन, कितना सुंदर मॉर्निंग माने सुबह, इट इज यह है, यानी कि सुबह कितनी खूबसूरत है, खूब सुंदर है। तो यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ है, व्हाट ए से प्रारंभ है, किससे प्रारंभ है, व्हाट ए से प्रारंभ है। जब रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए से प्रारंभ हो या हाउ से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, सुन लीजिए। अगर व्हाट से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, दे सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद हम कहां चलेंगे, कर्ता पर, कर्ता यहां क्या है, इट है, इट जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट अगर है तो इट को इट लिख लेंगे हम, इट। अब ई जा रहे हैं को या तो वाज में बदलेंगे या तो बेयर बदलेंगे, क्योंकि इट एक वचन है इसलिए वाज लिखेंगे, इट वाज। अब देखिए ये वाट जो है ये बदलेगा बेरी में, ये वाट बेरी बदलेगा तो यहां आइए तो क्या हो जाए, ए बेरी फाइन मॉर्निंग, ए बेरी फाइन मॉर्निंग। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। एक एग्जांपल और देख लीजिए, दूसरा देखिए नियम तीन हम बता रहे हैं। नियम तीन में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ए या हाउ, ये हैरानी वाला शब्द है, से प्रारंभ हो तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं और व्हाट या हाउ को हम बेरी में बदल देते हैं। जैसे यहां लिखा है ही, अब सेड को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच अगर डब्ल्यू यानी कि व्हाट ए से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद हम सीधे चलते हैं कर्ता पर, कर्ता यहां क्या है, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है उसको बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या है, ही है, तो यहां ही हो जाए ही। अब इज आर एम को या तो वाज लिखेंगे या तो वी आर लिखेंगे हम, तो यहां ही जो है एक वचन है इसलिए वाज लिखेंगे। अब यहां व्हाट, जैसा कि हमने कहा ये व्हाट जो है एक आगे बेरी बन करके चला जाएगा, इस व्हाट को जब हटाएंगे तो ये यहां बेरी यानी कि ए बेरी फूल, ही वाज ए बेरी फूल। अब देखिए एक एग्जांपल हम हाउ का बता देते हैं। देखिए हम
एग्जांपल तीन में देख लीजिए, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा हाउ ब्यूटीफुल द रे इज। तो एनी कहने का मतलब चाहे व्हाट ए से प्रारंभ हो रिपोर्टेड स्पीच, चाहे व्हाट ए से प्रारंभ हो और चाहे हाउ से प्रारंभ हो, तो हम क्या करते हैं, हम सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। और क्या करते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो कहां चलेंगे, सीधे कर्ता पे चलेंगे, और कर्ता जो है सहायक क्रिया के पहले या क्रिया से पहले लिखा रहता है। तो सहायक क्रिया देखिए, ये सहायक क्रिया है, इसके पहले जो लिखा हुआ है ये कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो जब कामा इनवर्टेड कामा हट जा करे तो सीधे कर्ता पे चलिए, कर्ता यहां है द रेन, यहां उतार लीजिए द रेन, ये चेंज नहीं होगा द रेन। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद अब सहायक क्रिया देखिए इज आ रहे हैं, अगर इज है तो या तो इज को वाज में बदलेंगे या इज को बियर में बदलेंगे, तो यहां द रेन है इसलिए हम वाज में बदलेंगे वाज। अब देखिए, अब जैसा हमने कहा यहां व्हाट ए व्हाट को हमने किसमें चेंज किया, बेरी में चेंज किया, उसी तरह से यहां हाउ को हम हाउ जो लिखा हाउ ब्यूटीफुल लिखा है इसको बना देंगे हम बेरी ब्यूटीफुल, वाज बेरी ब्यूटीफुल। ये कहने का मतलब जब वाक्य जब रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट शब्द रहे या हाउ शब्द रहे, अगर ऐसा शब्द मिलता है उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो भाग 9 में चले जाइए, नियम 3 देख लीजिए, उसमें हम बता दिए हैं। नियम 4 देखिए, नियम 4 में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश, से प्रारंभ हो तो सेड को अप्लाउडेड मतलब डॉट डॉट सेइंग लिखे ही, अगर कर्म है तो इससे में कर्म लिख देंगे उसके बाद सेइंग लिख देंगे, में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं तथा ब्रेवो ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं, ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कभी ऐसी सीन आती है इनडायरेक्ट नारेशन में, इनडायरेक्ट में ब्रेवो शब्द दिया गया, अगर इनडायरेक्ट में ब्रेवो शब्द दिया गया हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, तो पहले लिखेंगे ही। अब जैसा देखिए नियम देख लीजिए सब लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो से प्रारंभ हो, ब्रेवो शब्द से प्रारंभ हो तो सेड को अप्लाउडेड डॉट डॉट सेइंग में बदल देते हैं, यानी कि ए डबल पी एल ए यू डी ई डी अप्लाउडेड और डॉट डॉट सेइंग मतलब आप, यानी कि सेड के आगे यदि टू लिखा हुआ है तो टू को हम नहीं लिखते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, यदि कर्म है तो कर्म है लिख लिए डॉट डॉट मतलब कि यानी कर्म लिखा जाएगा, फिर सेइंग। जैसे मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को अप्लाउडेड सेइंग में बदल देते हैं, अप्लाउडेड सेइंग में बदल देंगे। मान लीजिए कर्म है तो टू को नहीं लिखते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसी को उतार लेंगे, फिर सेइंग। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, फिर क्या करते हैं और ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं, अब इसको हम हटा देंगे, अब ये हटिए ब्रेवो शब्द, अब यानी कि अब चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता पर। तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, यू है।
और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सूत्र क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के अनुसार चेंज करिए। तो यहां देखिए यू है, यू सेकंड पर्सन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के यानी कि कर्म के अनुसार। अगर यहां सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन यहां के अनुसार चेंज हो। तो यहां अस है, अस क्या है? ये अस ऑब्जेक्ट है यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो इन्हीं किसका है? अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा? मतलब हम अस को हम यू की जगह पर भेज रहे हैं। यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो अस को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी होगा। तो वी अब यानी यू को वी में बदल देंगे, हैज या हैव को हैड में बदल देंगे, हैज रहे या हैव रहे तो हैड में ही लिखेंगे, हैड डन वेल, डन वेल। जैसे एक एग्जांपल हम और देते हैं नियम चार का एग्जांपल, दूसरा देखिए उसी टाइप्स के। द बॉय सेड, द बॉय सेड, लड़का ने कहा ब्रेवो यू आर ए बोल्ड मैन, तुम एक साहसी मैन मतलब साहसी व्यक्ति हो। तो यानी कि कहने का मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच ब्रेवो शब्द से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो शब्द पाई जाया तो समझ लिया कि द बॉय सेड को अप्लाउडेड सेइंग में बदल देंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां कर्म नहीं है, यहां कर्म नहीं है तो यहां क्या है? यू है, यू बहुवचन है, यू बहुवचन है। तो अब यू क्योंकि यहां फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का बहुवचन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देव होगा। तो यहां चाहे मान लीजिए देव और नहीं तो कुछ भी ना करिए। अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है तो हम सेड को अप्लाउडेड सेइंग में बदल देते हैं। यदि कर्म नहीं है तब तो हम क्या करेंगे? सेड को किसमें चेंज कर देंगे? अप्लाउडेड देम। अगर चाहते हो तो यहां जान लीजिए देम लिखा हुआ, क्योंकि यहां ये बहुवचन है तो बहु, अगर यहां बहुवचन है यहां कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लेंगे देम तो यहां लिख सकते हो अप्लाउडेड देम सेइंग, नहीं तो अप्लाउडेड सेइंग। और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर इन्हीं कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं और हम ब्रेवो शब्द को हटा देते हैं, यानी कि अब हम ब्रेवो शब्द को हटा देंगे। अब यहां क्या है? यहां यू है, यहां यू है। यू किसके अनुसार चेंज हुए भाई? यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन जो ना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुए, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां अगर बहुवचन है तो यहां बहुवचन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो बहुवचन अगर यहां एक वचन होता तो यहां एक वचन का ऑब्जेक्ट मानते, ही या कोई मतलब हिम या हर मानते। लेकिन अगर यहां बहुवचन हो और यहां ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका मतलब बहुवचन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देव होगा। तो यहां देव है तो यहां देव जे। अगर यहां बहुवचन है मतलब यहां यू हो, मान लीजिए कभी ऐसी सीन आती है कि यहां यू हो यहां ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यू को दे में चेंज करते हैं, इस तरह से जान लीजिए। और ई आर एम को वाज या बेयर में बदल देते हैं। अब क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए हम बेयर में बदल देते हैं, बेयर ए बोल्ड मैन। ये हमने चार नियम बताया है जब रिपोर्टेड स्पीच में मतलब जब
खुशी जाहिर करने वाला शब्द हो या दुख प्रकट करने वाला शब्द हो या शाबाशी देने वाला शब्द हो या आश्चर्य या हैरानी वाले प्रकट करने वाले शब्द हो, ऐसे अगर वाक्य हैं उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, वीडियो 9 में हम बता दिए हैं। इसको पूरा देख लीजिएगा। अब हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।